बेस थ्योरम करने के बाद में प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, तो रैंडम वेरिएबल बिल्कुल अलग है बेस थ्योरम से। बेस थ्योरम का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है बेस थ्योरम का। जो रिवर्स प्रोबेबिलिटी करते थे, E1, E2, E3 करते थे, और जो भी हम बेस थ्योरम में करते थे, मतलब कोई कनेक्शन नहीं। जिसको बेस थ्योरम नहीं आता उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मतलब वो ये टॉपिक उसके लिए डिफिकल्ट है। बेस थ्योरम नहीं आता कोई बात नहीं, रैंडम वेरिएबल एक टोटल नई चीज है। तो रैंडम वेरिएबल का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। तो रैंडम वेरिएबल वेरिएबल का मतलब है कि जो बदले, तो बदलेगा मतलब क्या बदलेगा, तो एक ऐसी वैल्यू रैंडम वेरिएबल है, इज अ वेरिएबल नंबर। रैंडम वेरिएबल क्या है, इज अ वेरिएबल नंबर एसोसिएटेड विथ ईच एक्सपेरिमेंट, विथ ईच एक्सपेरिमेंट। हर एक्सपेरिमेंट के साथ में एक नंबर होता है जो हर बार वेरी करता है, उसे हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल। इसको समझने के लिए रैंडम वेरिएबल तो खैर हम ठीक है ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एक्स, कैपिटल एक्स लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये है, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट, तो कुछ नई चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी नया नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी को नए ढंग से समझेंगे हम लोग। एक और चीज जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना है रैंडम वेरिएबल और उसके बाद में समझना है, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ ट्रायल। नंबर ऑफ ट्रायल ये क्या चीज होती है, तो इसकी वोकैबुलरी है। जैसे आपने कंडीशनल पढ़ा था, जैसे आपने बेस थ्योरम पढ़ा था, तो कंडीशनल पढ़ने में क्या देखा था हम लोगों ने, कि आपको क्या पकड़ना आना चाहिए कि ए इवेंट क्या है और बी इवेंट क्या है, मतलब फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है। जब हमने बेस थ्योरम पढ़ा था तो बेस थ्योरम में क्या हमने सीखा था कि प्राइमरी इवेंट क्या है, सेकेंडरी इवेंट क्या है, वैसे ही रैंडम वेरिएबल में आपको दो चीजें पकड़नी है। बोले साहब पकड़ा ही रहे हो आप, तो वहां पकड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल पकड़ना है। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रायल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल का मतलब हुआ नंबर ऑफ टाइम्स एक्शन डन। एक्शन डन मतलब, एक्शन का मतलब क्या हुआ, आपने जो काम किया, या आपने नंबर ऑफ टाइम एक्शन डन, आपने जो भी काम किया, या इवेंट, हम इसके बदले क्या बोल देते हैं, इवेंट। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे तो इवेंट है, तो इवेंट हम बोलेंगे। एक्शन कितने बार किया, मैंने बोला अ डाई इज थ्रोन टू टाइम्स, मैंने ये लिखा स्टेटमेंट, अ डाई इज थ्रोन टू टाइम्स, मैंने लिखा फोर ऑरेंजेस आर सिलेक्टेड, या फिर लिखा मैंने टू कॉइन टॉस्ड फोर टाइम्स। तो यहां पर आप देखेंगे अलग अलग जगह मैंने लिखा है, तो नंबर ऑफ ट्रायल यहां पर क्या होगा, यहां पर एक डाई को दो बार फेंका गया, तो ट्रायल कितना हो गया, दो। यहां पर चार ऑरेंजेस सेलेक्ट किए गए, तो क्या हुआ, ट्रायल मेरे पास कितना, चार बार हमने काम किया। यहां पर दो कॉइन को हमने चार बार टॉस किया, तो नंबर ऑफ ट्रायल दो नहीं होगा, नंबर ऑफ ट्रायल कितना होगा, चार होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ट्रायल। हर क्वेश्चन में आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रायल क्या है, और उसके बाद में रैंडम वेरिएबल क्या चीज होती है जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है वो -1, -2, या फिर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, ये एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल है, हर बार बदलेगा, और इसीलिए हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास में छोटी सी ये थ्योरी थी। अच्छा, अब यहाँ पर दो कैटेगरी बनती है नंबर ऑफ वेरिएबल में, या रैंडम वेरिएबल के टॉपिक में हमारे पास दो कैटेगरी बनेगी। वो दो कैटेगरी कौन सी होती है देखते हैं फटाफट जल्दी से, थ्योरी का पार्ट है। रैंडम वेरिएबल में दो टाइप की कैटेगरी बनेगी। अच्छा, देखते हैं कौन सी कैटेगरी बनेगी। ये हमारे पास में दिस इज द टॉपिक कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल, और यहाँ पर हमारे पास दो टॉपिक बनेगा,
दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहला वाला टॉपिक बनेगा जहां पर एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, और एक्स का मतलब क्या होगा, एन और एक्स आर आपस में क्या होंगे, लिंक्ड होंगे या फिर कनेक्टेड होंगे, या फिर कनेक्टेड होंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायल और एक्स आपस में कई बार कनेक्टेड होते हैं। दूसरा जो वैरायटी मेरे पास बनेगा क्वेश्चन, वो कौन सा बनेगा, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल और एक्स आर नॉट कनेक्टेड, आर नॉट कनेक्टेड। तो ये मेरे पास में दो वैरायटी बनेगी, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो नंबर ऑफ ट्रायल और एक्स आपस में कनेक्टेड होगा, या तो नंबर ऑफ ट्रायल और एक्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो वहां पर हर बार इस बात का जिक्र करूंगा कि किस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायल और एक्स कनेक्ट हो रहा है और किस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायल और एक्स कनेक्ट नहीं हो रहा। 90% क्वेश्चन आपके पास इस टॉपिक पर मिलेंगे जहां पर कनेक्शन बैठेगा। 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पर आपको कनेक्शन बैठेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10% ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर नंबर ऑफ ट्रायल और एक्स में कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा अपना एक क्लासिफिकेशन है, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए रैंडम वेरिएबल के अंदर क्या चीज होती है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज निकाल लो, एक्सरसाइज हम निकाल लेते हैं, और एक्सरसाइज में से हम लेते हैं मीन वेरिएंस भी निकालना ही है। चलो खैर वो तो बाद में देखा जाएगा मीन और वेरिएंस का। एग्जांपल नंबर 24 ले रहा हूं मैं, पेज नंबर 561 का, एग्जांपल नंबर 24, पेज नंबर 564 का रैंडम वेरिएबल। पहले छोटा सा हल्का सा एग्जांपल है, वहां से शुरू करते हैं। तो क्लियर ये बात, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ ट्रायल और एक्स आपस में कनेक्टेड होगा, या तो फिर ये कनेक्टेड नहीं होगा, या तो कनेक्टेड होगा या तो कनेक्टेड नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 24 पढ़ना जरा यश, क्या है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट। नहीं रुक जाओ, टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली मतलब यहाँ पर ट्रायल कितना हुआ, दो। फटाफट एग्जाम्पल नंबर 24 है और पेज नंबर कौन सा है, 561। तो टू कार्ड्स आर ड्रॉन ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया मेरे पास, दो। आगे विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। चलो ठीक है, एग्जांपल नंबर 24 अब, ठीक है। देखना है यहाँ पे, चल भी रहेगी चल रहा है। चलो अब दिख रहा है, हाँ एग्जाम्पल नंबर 24। तो नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास में कितने हो गए, दो। हाँ फिर से एक बार फिर से रीड करना, टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। अच्छा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास होगा, इस क्वेश्चन जो रैंडम वेरिएबल है हमारे पास, ये जो टॉपिक है, दिस इज रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम अब बोले साहब इसमें प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कंडीशनल भी है, हमारे पास नहीं आ रहा, अब वो देखा हुआ नहीं आ रहा, उसको थोड़ा नीचे लिखो, वो ठीक है पोजीशन, ठीक है थोड़ा नीचे कर दो। चलो रैंडम वेरिएबल में हमारे पास जो वैरायटी है, सॉरी क्या कैमरा का डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब ठीक है, ये हाइट इतना ठीक है ना, इसके नीचे चलेगा, इसके ऊपर नहीं, हाँ। और इधर भी इसके ऊपर नहीं, है ना, बाकी ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, तो फिर से डिस्टर्बेंस हो रहा था कैमरा का, आप लोग को ठीक है दिख रहा है ना, बराबर है। हाँ तो रैंडम वेरिएबल के अंदर जो पहचान होगा, जहां पर भी लिखा हो, जहां पर भी लिखा हो फाइंड पीडीटी, मतलब पीडीटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जहां पर लिखा हो फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर जहां पर लिखा हो फाइंड
द मीन, या फिर यहां पर लिखा हो फाइंड द वेरियंस, या फिर यहां पर ये तीन चीजें लिखी हो, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फाइंड मीन या फाइंड वेरियंस, यहां पर ये तीन चीजें लिखी हो, मतलब आप क्या समझ लेना वो क्वेश्चन कहां का होगा, रैंडम वेरिएबल का होगा। तो रैंडम वेरिएबल में नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, दो। अब ट्रायल हमारे पास में कितने हो गए, हमारे पास में दो ट्रायल हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स होगा, एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल, एक्स की पहले स्टेटमेंट आएगी, एक्स क्या बोल रहा है हमारे पास, हमारे पास बोल रहा है नंबर ऑफ एसेस, एसेस का मतलब इक्का, एक्स इज अ नंबर ऑफ एसेस और एसेस मतलब क्या होता है, इक्का होता है। तो ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायल बिकॉज आपने दो बार कार्ड निकाला। एक्स क्या हो गया, अच्छा एक्स किससे बिलोंग करेगा, ये मेरे पास में होगा एक्स, ये जो होगा मेरे पास ये एक्स होगा। रैंडम वेरिएबल क्या होगा, जिस चीज का मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है उसको एक्स बोलेंगे, या जिसका मीन निकालना है वो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा, या हमारा जिसका वेरियंस निकालना है वो हमारा एक्स होगा। तो वॉट इज रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दीज थ्री थिंग्स, या तो मीन निकालने को बोलेगा, या वेरियंस निकालने को बोलेगा, या पीडीटी निकालने को बोलेगा, नंबर ऑफ एसेस। अब जरा दिमाग में हम कैलकुलेशन करते हैं, आपको 52 कार्ड में से दो कार्ड निकालने हैं, दो कार्ड निकालने हैं और दो कार्ड निकालने नंबर ऑफ एसेस, तो क्या क्या केस बनेंगे हमारे पास, ये जो x की वैल्यू है ये क्या क्या वैल्यू एक्वायर कर सकता है, x इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, अच्छा जीरो मतलब एक मतलब किस्मत खराब, मैं इसको बोलता हूँ कि किस्मत खराब, बैड लक, मतलब आपने दो बार कार्ड निकाला और दोनों बार किस्मत खराब, मतलब नंबर ऑफ एस कितना निकला, जीरो, एक बार भी इक्का नहीं आया। एक्स इज इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ, आपने दो बार कार्ड निकाला मगर एक बार तो आपकी किस्मत खुल गई और एक बार नहीं खुली। और आपने एक्स इज इक्वल टू टू का मतलब क्या हुआ, आपने दो बार कार्ड निकाला और दोनों बार आपका इक्का, इसको बोलते हैं गुड लक। अच्छा एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर थ्री हो सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो सकता, ट्रायल ही दो बार है, तो यहाँ पर बताओ ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली ट्रायल के हिसाब से हमने क्या करा, रैंडम वेरिएबल को निकाला, ट्रायल कितने थे, दो, तो कितना निकला, जीरो वन टू, टू से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, मगर हर बार ऐसा नहीं होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल अलग हो और रैंडम वेरिएबल अलग हो। अब इसका जरा हम मतलब समझ लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, किस्मत खराब, मतलब दो बार कोशिश करी दोनों बार इक्का नहीं निकला, तो क्या लिखेंगे भैया इसके अंदर, नॉन एस और इनटू में नॉन एस, अच्छा नॉन एस ये एनए और ये क्या निकला, एनए, अच्छा यहाँ पर क्या निकला, पहले बार में तो एस आया मगर दूसरी बार में क्या निकला, नॉन एस आया, भाई एक मतलब एक आ रहा है ना मेरे पास में, तो एक बार तो इक्का आया और दूसरी बार में क्या निकला, नॉन एस आया, अच्छा मगर इसका हो सकता है कि पहली बार में एस आया दूसरी बार नॉन एस आया, मगर इसका उल्टा भी तो हो सकता है, मतलब उल्टा मतलब क्या होगा कि पहले नॉन एस आ जाए और बाद में एस आ जाए, तो इसके ऐसे दो केस बन सकते हैं, यहाँ पे इसके दो केस बनेंगे बिकॉज ऑर्डर मैटर करेगा, प्रोबेबिलिटी हमारे पास में है। तीसरा केस क्या बनेगा भैया, दोनों के दोनों इक्के आ जाए, मतलब कितना आ जाए, एस और एस आ जाए, तो ये मेरे पास में तीन केस बने। अच्छा अब क्या करना है भैया, मेरे को इनके अंदर एस और नॉन एस की प्रोबेबिलिटी, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, यदि मैं यहाँ पे अलग से निकाल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितने होते हैं टोटल कार्ड्स में, 4/52 एस होते हैं मेरे पास में 4/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कितने हो जाएंगे, 48/52 ये विद रिप्लेसमेंट था विदाउट रिप्लेसमेंट था, विद रिप्लेसमेंट, एक मिनट पढ़ने दे, क्या था, विद रिप्लेसमेंट, मतलब कार्ड निकाला उसको देखा और वापस डाल दिया, मतलब चोरी वाला काम नहीं करना कि गिरा दिया हमने धीरे से, तो हमने कार्ड निकाला देखा और उसको वापस हमने डाल दिया, तो 4/52 और 48/52 ये मेरे पास में निकला। अच्छा आप डाल दो वैल्यूज और कुछ नहीं, इसको आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, कितना निकलेगा, दिस इज 1/13 और 12/13, तो आप ये कितना निकला, नॉन एस का प्रोबेबिलिटी कितना, 12/13 और इंटू में कितना, 12/13, ये पहले वाले का प्रोबेबिलिटी निकल रहा है, वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ अगले वाले में एस का कितना प्रोबेबिलिटी, 1/13 इंटू 12/13 और इंटू में दो, क्योंकि ऐसे दो केस थे, एक केस और दो केस, तो दो केस मल्टीप्लाई कर दिया, अगला कितना है एस का कितना, 1/13 और इंटू में 1/13। अब क्या करना है, अब हमें
चलो ठीक है। ये आपने ये जो प्रोबेबिलिटीज निकाली है इनको आपने जाकर ना टेबल के फॉर्म में लिख देना है, और टेबल के फॉर्म में लिख करके इन सब का सम यदि 1 आ जाए, इन सबको ऐड करके आपका 1 आ जाए, मतलब आपकी टेबल करेक्ट है। इस टेबल को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगला अब यही काम हमें करना है कंटिन्यू, तो ले लो भैया जरा फटाफट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 25 भी ले लो, मतलब फटाफट एग्जाम्पल नंबर 25। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 25, अगला एग्जाम्पल नंबर 25 एग्जाम्पल रीड करना है। क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो ट्रायल कितने हैं? 6 3 ट्रायल 3 है। कितनी बार किया ट्रायल? कितने हैं ट्रायल? कितनी बार किया ट्रायल? मतलब ट्रायल मतलब होता है ट्रायल, कितनी बार किया? 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, ट्रायल है। अच्छा ये एग्जांपल नंबर कौन सा है? 25 एग्जाम। बस ट्रायल पकड़ में आना चाहिए। चलो तो ये नहीं करेंगे हम, कम से कम वो तो करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो करेंगे ही ना। मीन वेरिएंस डिलीट हो गया है क्लास 12th, प्रोबेबिलिटी मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। हाँ चलो मीन वेरिएंस नहीं करेंगे, मगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो करेंगे, ठीक है? तो वो उसी का एक्सटेंडेड पार्ट था, एक्सटेंडेड वाला नहीं करेंगे, वहां तक तो करेंगे करेंगे। थोड़ा नीचे देखना। चलो ट्रायल इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो नंबर ऑफ ट्रायल इज इक्वल टू 3। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बोलो क्या है फिर से बोलो? ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स। अच्छा अब एक्स यहां पर हम क्या लेके चलेंगे? एक्स होगा नंबर ऑफ डबलेट्स, एक्स होगा नंबर ऑफ डबलेट। अच्छा एक्स क्या होगा? एक्स जो भी होगा, एक्स क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डैश, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ डैश, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ डैश, मतलब किसी ना किसी का नंबर ही होगा। पिछले वाले में क्या था? नंबर ऑफ एस। इस वाले में क्या है? नंबर ऑफ डबलेट्स। किसी वाले में क्या होगा? नंबर ऑफ हेड्स। किसी वाले में क्या होगा? नंबर ऑफ ऑरेंज। मगर व्हाट इज एक्स? एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, और एक्स क्या होगा? एक्स एक नंबर होगा। अच्छा यहां पर क्या नंबर है? नंबर ऑफ डबलेट है। अच्छा अब डबलेट का मतलब क्या? आप सैंपल स्पेस, आई डोंट थिंक आई हैव टू राइट द सैंपल स्पेस। 36 लिखो क्या? 1 1 2 1 2 1 3 36। दो डाइस को आप यदि करोगे, दो डाइस ही है ना, दो डाइस को रोल करोगे तो 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। उसमें डबलेट कौन कौन से होते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अच्छा डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6 by 36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट कितना निकलेगा? 30 upon 36। इसको कैंसिल करके आपका 1/6 और 5/6 आ जाएगा। चलो अब ट्रायल के बाद में देखते हैं एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अच्छा एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। अच्छा 0 मतलब किस्मत खराब, किस्मत खराब भाई। मतलब आपने क्या करा? आपने 3 बार डाई को रोल किया, डबलेट आया नहीं आया। दूसरी बार ट्रायल किया, डबलेट आया नहीं आया। तीसरी बार ट्रायल किया, डबलेट आया नहीं आया। तो मतलब क्या हुआ इसके अंदर? पहले वाले केस में आया नॉन डबलेट, दूसरे बार भी नॉन डबलेट, और तीसरे बार भी नॉन डबलेट। अच्छा एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, किस्मत खराब। एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। मतलब एक बार तो डबलेट आ रहा है, मगर बाकी 2 बार क्या निकल रहा है? नॉन डबलेट और इनटू में नॉन डबलेट। अच्छा बेसिक थोड़ा सा इसमें यह है कि 11th क्लास का इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव इवेंट आपको पता होगा। ये तीनों इवेंट मल्टीप्लाई में है, मतलब क्या ये इंक्लूसिव है, ये आपस में क्या है, ये एंडिंग ही है, नॉन डबलेट इनटू में नॉन डबलेट। अच्छा डबलेट फर्स्ट नंबर पे आ सकता है, बाकी 2 पे क्या आ जाए? खाली नॉन डबलेट आ जाए। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, प्लस क्या हो सकता है? बीच में है, बीच में है, मतलब पहले वाले पे किस्मत खराब आ जाए और बाद में डबलेट आ जाए और इनटू में फिर नॉन डबलेट आ जाए, ठीक है? और एक और चीज क्या हो सकता है कि नॉन डबलेट आ जाए, इनटू में नॉन डबलेट आ जाए, और इनटू में कितना आ जाए? डबलेट आ जाए। ये चीज हमारे पास बन सकती है। अच्छा 0 होगा मतलब तीनों पे नॉन डबलेट नॉन डबलेट नॉन डबलेट। 1 का मतलब डबलेट सिर्फ एक बार आया, एक बार कहां कहां पर आया? डबलेट इसमें यहां कोने पे आया, इस वाले में बीच में आया, और इस वाले में इस कोने पे आया, ठीक है? अच्छा तीसरा केस मेरे पास में एक्स की वैल्यू और क्या क्या हो सकती है?
टू हो सकता है, टू हो सकता है मतलब कितना, डबलेट इंटू डबलेट इंटू नॉन डबलेट, भाई दो बार डबलेट आएगा और एक बार नॉन डबलेट आएगा, इसके कितने केस बनेंगे, तीन केस बनेंगे, बिकॉज इसको इंटरचेंज करोगे यदि आप तो नॉन डबलेट की अलग अलग पोजीशन प्लस कितना हो सकता है, डबलेट इंटू में नॉन डबलेट इंटू में डबलेट, और तीसरा कौन सा हो सकता है, पहले वाले पे आ जाए नॉन डबलेट और उसके बाद में कौन सा आ जाए, डबलेट और इंटू में डबलेट आ जाए। अच्छा अगला x इज इक्वल टू कितना, कितना हो सकता है, ट्रायल तीन तक है तो जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है क्या, ट्रायल इज इक्वल टू थ्री तो फिर तो फोर भी हो सकता होगा, अच्छा फोर तो ट्रायल ही नहीं है ना, हमने ट्रायल ही कितने कर रखे थे, फोर ट्रायल हमने क्या कर रखे थे, हमने ट्रायल ही इतने कर रखे थे, तो अब तीन का मतलब क्या हो भैया, किस्मत सबसे बढ़िया और डबलेट आया, दूसरे बार भी डबलेट आया और तीसरे बार भी डबलेट आया, अब क्या करना है मेरे को, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चलो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, पहले मैं इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद में टेबल बना देता हूँ। नॉन डबलेट, नॉन डबलेट, अच्छा डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, चलो नॉन डबलेट, नॉन डबलेट, नॉन डबलेट, डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज इक्वल टू 6/36 मतलब कितना 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट कितना आया था 30/36 मतलब कितना निकलेगा 5/6। अच्छा तो अब यहां पर आप ले लो नॉन डबलेट, नॉन डबलेट, नॉन डबलेट मतलब कितना 5/6 × 5/6 × 5/6। अच्छा इस वाले में डबलेट एक बार आया मतलब कितना 1/6, तो 1/6 इंटू में 5/6 इंटू में 5/6 और इंटू ऐसे कितने केस हैं, ऐसे केस तीन है, एक पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस, तो यहां पर इंटू कितना कर दो, तीन कर दो, इसमें डबलेट दो बार आया, डबलेट दो बार आया तो कितना, डबलेट का कितना है 1/6 × 1/6 इंटू 5/6 और ऐसे कितने केस बने मेरे पास, इसके भी तीन केस बने, और लास्ट वाला डबलेट 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 मतलब 1/6 इंटू में 1/6 इंटू में 1/6 और ऐसे कितने केस बने 1, और इन सबको क्या करना है आपको, अब टेबल के फॉर्म में इसको आपको लिख देना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमारे पास आएगी वो टेबल इस तरह से बनेगी भैया। चलो टेबल क्या बनेगी, पहले आपको लिखना है x की वैल्यू और फिर लिखना है p ऑफ x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, और प्रोबेबिलिटी पहले वाले में कितना निकला 216 216। अच्छा अगला 5 5 25 25 3 75 upon 216, अगला 15 upon 216, अगला 1 upon 2, इन सबको देखो ऐड करके कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, 1 आ रहा है मतलब करेक्ट है, कोई दिक्कत है भाई, देख रहा हूँ कोई, तो बता दूंगा आ रहा है। हाँ बोल, टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, ट्रायल कितने हुए, पहले तो ट्रायल को करना सीखो, टू दो ट्रायल, पहले तो हो गए ट्रायल दो भैया, एन बराबर ट्रायल दो, कैमरामैन दिख रहा है, हाँ चलो एग्जांपल नंबर कौन सा है 29, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, अच्छा इसमें हैशटैग डाल के लिख लो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट, ये बड़ा ये चोरी वाला केस है, विदाउट रिप्लेसमेंट चोरी वाला केस है ये, मैं जान के बोल रहा हूँ चोरी वाला केस, चीटिंग वाला केस, चीटिंग वाला केस मतलब कार्ड निकाला देखा कोई देख तो नहीं रहा है दबा दिया, ठीक है तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है, चीटिंग चोरी की जगह मैं चीटिंग वर्ड लिख लूँ, चीटिंग वाला केस है ये, चीटिंग वाला केस, तो ये है चीटिंग वाला केस, तो चीटिंग वाला केस जो है वो आप ध्यान रखना। हाँ आगे From a well-shuffled pack of 52 cards. अच्छा ठीक है आगे find probability distribution
टेबल ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स, उसमें मीन वेरिएंस लिखा है, उसको आप काट के क्या कर लो, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। अच्छा x मैंने क्या बोला था, x होगा क्या, x किसी जानवर का नाम होगा, x किसी कंट्री का नाम होगा, या x किसी नंबर का नाम होगा, नंबर होगा, और वो नंबर किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। x क्या होगा, अब ये होगा x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डैश, अच्छा बोल दिया नंबर ऑफ, यहां पर क्या है किंग। अच्छा पहले वाले में क्या क्वेश्चन था, एस, दूसरे वाले में क्या था डबल एक्स, तीसरे वाले में क्या था नंबर ऑफ किंग, बस नंबर होगा, समझ में आ गया। एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल नंबर होता है, और इसकी पहचान क्या, जहां पर भी क्या लिखा हो, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर यहां पर मीन वेरिएंस, हालांकि वो हट गया है बट पहले बताता था मैं, तो उसको हम बोलेंगे भैया पीडीटी वाला क्वेश्चन। तो इसका बेस थ्योरम से कोई कनेक्शन नहीं है, सबसे बड़ा ये होगा इशू कि आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को पहचान पड़ेगा कि ये कंडीशनल का है, ये टोटल का है, ये रैंडम का है, ये बेस थ्योरम का है, और एक और हट गया बर्नौली, बर्नौली तो हट ही गया, खैर बढ़िया है, बर्नौली बहुत अच्छा टॉपिक था, और बर्नौली ट्रायल प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्या आएगा भैया, बादशाह, ओ बादशाह, नंबर ऑफ किंग। अच्छा अब यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट मतलब भाई यहाँ पे दो है ट्रायल, तो ट्रायल दो है तो किंग कितने हो सकते हैं, 0 1 2 कनेक्ट हो रहा है, इसी के हिसाब से काम चलेगा ना। तो मैंने अच्छा वैसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर कनेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना वैसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो x इज इक्वल टू कितना 0, x इज इक्वल टू कितना 1, x इज इक्वल टू कितना 2, फटाफट कनेक्ट हो गया। नमन भाई साहब ठीक है, क्लास सबकी ऑन है केमिस्ट्री की, ऑन कर रही है ना, अच्छा 0 1 2 0 1 2। अच्छा जीरो मतलब किस्मत खराब, मतलब किसी किसी की होती है किस्मत खराब, दो ट्रायल मारे, दोनों बार में कार्ड निकाला, दोनों बार में क्या निकला, इसको बाहर क्या छत पे, ऐसा कर दे स्विच ऑफ कर दे, x इज इक्वल टू 0 मतलब किस्मत खराब, मतलब कितना लिखूंगा भैया नॉन किंग इनटू में नॉन किंग, नॉन किंग इनटू में नॉन किंग। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, किंग इनटू में नॉन किंग, और ऐसे कितने केस बनेंगे, दो, क्योंकि ऑर्डर चेंज होगा। इसका मतलब क्या होगा भैया, दोनों बार ये सबसे बढ़िया वाली किस्मत, कितना हो गया किंग इनटू में किंग, इसके कितने केस बनेंगे, एक ही केस बनेगा। अच्छा अब ये चीटिंग वाला केस है, अच्छा राजा कितने होते हैं, 13 4 4 होते महीने कितने होते साल में, 12 वो पता है ना, 30 ना कहते कार्ड और अच्छा चलो किंग जो है राजा होते हैं चार, चार राजा होते हैं, तो किंग की प्रोबेबिलिटी जो निकलती है वो कितनी निकलेगी, 4/52। अच्छा जहां पर चीटिंग वाला केस आ जाए, देख रहा मैं बड़े बड़े ही चीजें कुछ प्रैक्टिकल और थोड़े से कॉमन सेंस के वर्ड यूज करता हूँ, ये चीटिंग वर्ड ध्यान रखना, चीटिंग कब आएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब चीटिंग, और चीटिंग वाले केस में क्या लिख लेना भैया, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूं, काटना मना है, दिख रहा भाई नहीं, चल नीचे लिख देता हूं, चीटिंग वाले केस में काटना मना है, काटना मना है मतलब सिंप्लीफाई करना मना है, काटना मना है मतलब सिंप्लीफाई करना मना है, लिख लेना ध्यान से, उसका कारण बता रहा हूं मैं क्या करना है, बुक में सॉल्यूशन अलग तरीके से दिया, मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ, उसके अंदर काटना मना है, तो काटना मना है मतलब ऐसा वाला नहीं काटना, दूसरा वाला काटना मतलब क्या, अभी तक हम क्या करते थे 4/52 तो हम इसको कैंसिल करते थे ना, तो मैं वो कैंसिल करने की बात कर रहा हूँ, तो कैंसिल मत करना यहाँ पे, क्योंकि ये चीटिंग वाला केस है। अच्छा अब नॉन किंग इनटू नॉन किंग, अच्छा राजा हो गए चार, तो नॉन किंग यदि मैं लेता हूँ, नॉन किंग कितने निकल गए 48/52 निकल गए, तो यहाँ क्या होता है, चीटिंग वाले केस में काटना मना है, चीटिंग वाले केस में काटना मना है, तो बोल भैया पहला वाला कितना निकला 48/52 और इंटू दूसरा वाला काट, यस 47/51 ये देख वेरी गुड 47/51 क्योंकि हमने क्या करा, एक कार्ड इधर देखा उधर देखा कोई नहीं देख रहा है, गिरा लिया, भैया हमने पहला कार्ड निकाला, हमने एक कार्ड निकाला और किसने क्या बोला विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट मतलब एक राजा हमने, ये क्या है नॉन किंग है ना, सॉरी मतलब मान लो नॉन किंग निकला,
अब हमने नॉन किंग चार लोग खेल रहे हैं पोकर है ना, इधर देखा उधर देखा कोई नहीं देख रहा, चुटके से गिरा दिया, तो अब कार्ड कितने बचे? 47 ना, 51 ना, 51। अब 51 में से मुझे एक निकालना है, और वो भी कौन सा निकालना है? नॉन किंग ही निकालना है। तो अगला 47/51 आएगा, बराबर है। अच्छा अब बोले साहब काटना क्यों मना है? इसका रीजन तो किसी ने पूछा नहीं। अब मैं यहाँ पे यदि इसको मैं काट देता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेता 4 1 4 13 का, और ये 12/13, तो ये कार्ड में कम नहीं कर सकता था, क्योंकि 12/13 कार्ड नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपको काटना मना है, कब काटना कब मना होगा? विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट में काटना मना होगा। चलो सर आगे इसको एज इट इज रखो फिलहाल, भी देखते हैं नेक्स्ट। ये किंग और नॉन किंग, किंग कितने हैं? किंग तो चार है, 4/52। अच्छा दूसरा कार्ड कौन सा निकलेगा? नॉन किंग, नॉन किंग कितने हैं? 47, 46। नॉन किंग तो 48 ही है सर, एक निकल तो कम हो गए। एक मिनट आराम से दिमाग से सोचो, पहले कार्ड कितने? चार, मेरे को पहले किंग निकालना है, तो अभी चार किंग है, चार किंग फेवरेबल, चारों में से कोई भी निकल सकता है। टोटल कार्ड कितने हैं? 52 है। अब किंग निकल गया, अगला क्या निकालना मेरे को? नॉन किंग, नॉन किंग कितने हैं? 48, वो तो 48 ही रहेंगे ना भाई, 48, और मगर एक कार्ड तो कम होगा 51 टोटल में से, ठीक है। और इसका इंटू टू करना पड़ेगा, या फिर एक काम करता हूं, उसको मैं करके दिखा देता हूं। दूसरा इसका केस, इसको पलट के दिखा देता हूं। अब मेरे पास क्या निकला? या एक ही बात है, नॉन किंग इंटू नॉन किंग और नॉन किंग इंटू किंग। अब नॉन किंग कितना निकल रहा है मेरे पास? नॉन किंग मेरे पास में है 48/52। अब दूसरा कौन सा निकालना है? मुझे किंग निकालना है। किंग कितना है? किंग है 4/51। बात एक ही हुई, बात एक ही हुई, इंटू टू करना चाहे। अच्छा अब जरा इसका देखते हैं, जिसको समझ में आया हो वो बता के, वरुण गुप्ता बताओ किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/13 कर दी हत्या, बोल 4/52 और इंटू कितने केस? 1। चलो इंटू 1 ही केस बनेगा ये भैया। अब इसको क्या करना, आपको सॉल्व करके अरेंज करना है टेबल के फॉर्म में। तो काटा पीटी करेगा? हाँ करेगा। चलो तो दिस इज 3 से जाएगा 17 जा, 3 से जाएगा 3 1 3 6 जा, फिर ये 2 8 जा, 2 26 जा, फिर 2 4 जा, 2 13 जा, मल्टीप्लाई करके निकला 4 7 28, 2 कैरी, 4 4 16 188, और डिवाइडेड बाय 13 7 91, 13 7 91 कैरी ओवर 9, 13 + 9 इज 22। ये पहले वाले का निकला। तो पीडीटी निकालो जी फटाफट, कितना है? ये है x और ये है p ऑफ x, 0 कितना था? 1 और 2 तक था। 0 वाले का तो मैंने कितना निकाला? 188 डिवाइडेड बाय 221। अच्छा अब दूसरे वाले का निकालो भाई, 32 बाय 221। और तीसरे वाले का 1/221। सबको ऐड करके देखो आ रहा है क्या 1? Yes, अच्छा ये यहाँ तक कहानी क्या हुई पीडीटी। अच्छा वेरियंस निकालना सिखा दूं क्या? मीन और वेरियंस है ही नहीं कोर्स में, पक्का ना? छोड़ दो हाँ, जो इसी के आगे मीन निकलता है, इसी के आगे मीन निकालना होता है, मतलब पीडीटी तो निकालना ही निकालना होता है, इसके आगे मीन और वेरियंस निकालना होता है। तो अगला क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था? विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा बहुत से लोग ये बोलते हैं या बहुत से लोग पूछते हैं, आप लोग भी पूछोगे और बोलोगे कि साहब जब हमें ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि ये विद रिप्लेसमेंट है
या विदाउट रिप्लेसमेंट है, उस केस में क्या करें, है ना। यदि हमारे पास में क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, उस क्वेश्चन में क्या कॉमन सेंस लगाएंगे। आप यदि 10 बच्चे हैं, मेरे क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे क्या करना है, मुझे दो लोगों को पार्टी के लिए लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले यश को उठाऊंगा, ठीक है, उठाऊंगा, उसका चेहरा देखूंगा, फिर उसको वापस रख दूंगा, नहीं भाई उठाऊंगा, फिर उसके बाद किसी और को उठाऊंगा ना। मतलब कॉमन सेंस जब हम सिलेक्शन करते हैं, तो सिलेक्शन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, अब जैसे हमें 10 संतरे हैं, अब 10 संतरे में से मेरे को 4 संतरे लेने हैं, तो 4 संतरे लेने हैं तो क्या करूंगा, एक संतरा लिया वापस रखा, फिर दूसरा संतरा लिया फिर वापस, नहीं नहीं यार एक एक उठाते जाओ। मतलब यदि बाय डिफॉल्ट क्या बोला मैंने, जब मेंशन नहीं कर रखा है तो क्या होगा, वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस होगा, क्या होगा, विदाउट रिप्लेस, ये होता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो ये आप ध्यान रखना, जब मेंशन नहीं कर रखा होगा तो क्या लेके चलोगे, बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट। चलो आगे, चीटिंग वाला केस, हाँ 13.4 के जो पहले स्टार्टिंग के 4 टेबल बना के दे रखी है, अब टेबल बनानी नहीं है, आपको चेक करना है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं है। युक्ता बताओ, पहली वाली टेबल सही है गलत है, 13.4 की पहली वाली गलत है, पहली वाली 0.4 1 आ रहा है मतलब करेक्ट, दूसरी वाली नहीं है क्योंकि सबको ऐड करके 1 नहीं आ रहा। चलो सर डिवाइड करके, और वैसे भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कांट भी नेगेटिव है यार। सर 1 तो आ तो रहा है ऐड करके, किसमें है, एक माइनस 0.1 एक 0.1 है, 0.2 0.2 0.5 1 हो गया। मेरे दादा ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ओके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल गलत है, ओके, है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल गलत है। डिवाइड करके बनाना चाहिए ना, सबको ऐड करके बनाना चाहिए, 0.4 अभी तक तुमने क्या देखा, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो सर। देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर हम पहले ये 3 ऐड करते थे, हां तो डिवाइड करते तो 1 आता था, हां तो इसमें तो अगर ऐड कर रहे हैं बेटा, वो डिवाइड फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो डेसिमल के फॉर्म में, ऐसा क्या, ठीक है, वो यार क्या फायदा, मेमोरी बड़ी कीमती है, वो कंज्यूम हो जाती है। चल आगे बढ़ा, तो अच्छा थर्ड वाला करना क्या है भैया, अपने को पहले क्वेश्चन पढ़ना है और नंबर ऑफ ट्रायल पकड़ने हैं, और नंबर ऑफ ट्रायल पकड़ने के बाद में x पकड़ना है। अच्छा मतलब वेरिएबल, एन ऑन कंटेन 502 ब्लैक बॉल्स एंड ऑन कंटेन 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, बता भाई वरुण ट्रायल कितने मारे, 2 दो बॉल निकाली तो 2 ही ट्रायल हुए, तो ट्रायल हो गए मेरे पास में 2 ट्रायल हो गए। अच्छा Let x represent the number of black balls. अच्छा x क्या represent कर रहा है, number of black balls. Black ball को represent कर रहा है x की value. आगे what are the possible values of x? तो x की possible value यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, x की possible value, अच्छा number of black ball, trial तो मारे मैंने 2, तो भैया एक तो हो सकता है 0, एक तो क्या हो सकता है 1, और एक तो क्या हो सकता है 2, और तो 3 भी हो सकता है, नहीं क्योंकि ट्राई ही 2 है। अच्छा 0 कम, फिर भाई कहानी, 0 मतलब किस्मत खराब, मतलब अच्छा ब्लैक बॉल मतलब क्या, 0 ब्लैक बॉल मतलब आगे, इसके आगे उसने हालांकि कुछ बोला है करने के लिए, पीरिटी निकालने के लिए, उसने सिर्फ बोला है कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी, 1 मार्कर क्वेश्चन, और क्या x एक रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, है दैट्स एक्स है ना, हाँ है एक्स इज, ठीक है बराबर। चलो अब बाकी हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, क्लोज करो जिनका हो गया।